आजकल लोग 12-12 1-1 बजे तक जागने की आदत के कारण सुबह टाइम पर उठ नहीं पाते, आधी रात तक फोन पे स्क्रॉल करते रहते हैं। पुराने जमाने में खाने के जो बर्तन होते थे वह भी गोल शेप के होते थे। योग करते रहें, लगातार योगाभ्यास करें और जितना हो सके उतनी कॉन्शियस अटेंशन पे करें। अब अगले सूत्र की बात करते हैं तो ऋषि वाग्भट कहते हैं कि पानी के बारे में बताया है, उसके बारे में बात करेंगे। पानी को लेकर सुबह उठने के बारे में कम से कम 2 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। पुराने जमाने में तो 2 लोटे पानी की बात की कही गई थी, लेकिन आजकल के टाइम में हम कम से कम 2 गिलास पानी जरूर पिए, वह भी सुबह उठते ही, क्योंकि सुबह उठते ही हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है यानी कि जो सलाइवा होता है उसके अंदर बहुत सारी मात्रा में सलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है, जो कि सुबह के समय घूट घूट पानी पीने पर सारा का सारा सलाइवा लार के साथ हमारे पेट में चला जाता है, जो कि ऋषि वाग्भट के अनुसार सलाइवा मिला हुआ पानी किसी बढ़िया मेडिसिन से औषधि से कम नहीं है। उस लार या सलाइवा के 2 बहुत बड़े फायदे हो बताए गए हैं। सबसे पहला तो यह कि खाली पेट पर हमारी लार के साथ पानी पर हमारे पेट में यह पानी जाकर हमारी बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन को बहुत अच्छे से साफ कर देता है, जिससे हमारा पेट एकदम खाली हो जाता है। और दूसरा यह है जो मुंह वाला सलाइवा होता है, जब वह पेट में आता है तो हमारे पेट में तो हमारे पड़े हुए बहुत से ज़्यादा एसिड को, जो हमारे पेट में एसिड होता है, उसको न्यूट्रलाइज करके रिलैक्स कर देता है। और हो सकते तो यह जो आप सुबह का पानी है वह आप उखड़ू बैठ कर पीजिए, यानी कि मलासन में बैठकर पीजिए, इससे काफ़ी फायदा रहेगा। उखड़ू यानी कि जो हमारी इंडियन स्क्वाटिंग पोजीशन भी कहा जाता है, जिसको उसी पोजीशन में आप जो है अगर पानी पिएंगे तो पेट भी अच्छे से साफ होगा, बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी बहुत अच्छा रखेगा। पानी पीने के लिए एक और अगला सूत्र है कि पानी कभी भी खड़े होकर स्टैंडिंग पोजिशन में नहीं पीना है, पानी को हमेशा बैठकर ही पीना है। 3,000 साल पहले महर्षि वाग्भट यह बताकर गए हैं कि हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है, प्राण अपान उदान व्यान और समान नाम की 5 वायु हैं बताई गई हैं। और जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो वह वायु को इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण वायु दोष हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियाँ चल रही होती हैं वह प्रभावित हो जाती हैं, जो कि किसी भी तरीके की बीमारी को न्योता देना है, इनवाइट करना है। तो कोशिश यह करेंगे कि पानी पीकर एकदम ना उठे और ना ही चलने लग जाएं, जब भी पानी पिए वहीं पर बैठें और बैठे रहें और 15-20 सेकंड हो जाएं, उसके बाद ही आप उठें और हमेशा बैठकर ही पानी पीजिए। ऐसा आप देखेंगे कि अगर आपको आगे चलकर कभी भी जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस या फिर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। इस तरह की चीज़ें करते हैं। जो वाग्भट के अनुसार, महर्षि वाग्भट जी के अनुसार पानी भी हमेशा घूट घूट कर कर पीना चाहिए, पानी को हमेशा गटागट नहीं पीना है, क्योंकि आपको पहले सूत्र में बता चुका हूँ कि घूट घूट कर कर पानी पीने से मुंह की जो लार होती है वह सलाइवा उसके साथ पानी में जाकर मिल जाती है, जिसके कारण हमेशा पेट में जो एसिड का लेवल ज़्यादा होता है उसको वह न्यूट्रलाइज कर कर रिलैक्स कर देती है, जिसके कारण हमारे पेट में अम्लता यानी कि एसिडिटी नहीं बढ़ेगी। पेट में अम्लता यानी कि एसिडिटी और नहीं बढ़ती है, तो इस कारण से हमारे ब्लड की अम्लता यानी कि ब्लड में भी एसिडिटी जो है वो नहीं कम बढ़ती है, वो कम होती चली जाती है, जिसके कारण हम बिल्कुल सारी तकलीफों से बचे रहते हैं। नेक्स्ट सूत्र के बारे में बात करते हैं। उनका कहना यह है कि कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, हमारे शरीर उस ठंडे पानी को समझ ही नहीं पाता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो ठंडा पानी है होता है उसका सरफेस टेंशन बहुत 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 बड़ा हुआ होता है, और उसके कारण वह हमारे स्टमक के सारे प्रोसेसेस को कूल डाउन कर देता है, जिसके कारण हमारे इंटेस्टाइन को भी बिगाड़ देता है और हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को वीक कर देता है। तो कोशिश कीजिए कि आप घर में एक मटका या सुरई लेकर आइए और उसी का ही आप ठंडा पानी पीजिए, लेकिन फ्रिज से निकला हुआ ठंडा पानी जो होता है वो ठंडी चीज़ को हमें अवॉइड करना। महर्षि वाग्भट जी का पानी के बारे में कहना है कि पानी को जिसमें भी डाल दो उसका वैसा ही गुण ले लेता है, और पानी का सबसे बड़ा गुण है कि सफाई करना, जो हमारे बड़ी हो और छोटी आंत हो यानी कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, जिनमें हमारा खाना खाया हुआ खाना जो होता है वो सारा खाना
कचरे के रूप में जाकर फंसता है, और उस सारे कचरे को इंटेस्टाइन से निकालना तभी संभव है जब पानी का सरफेस टेंशन कम हो, और यह पानी और यह बॉडी में ब्लड प्रेशर को भी कम कर, जो लो सरफेस टेंशन वाला पानी होता है और हमारे यहाँ पे आंतों में इंटेस्टाइन में भी कचरे को निकालने का काम करता है। तो पानी वह वाला पानी है जिसका सरफेस टेंशन कम हो, इसी कारण से हमारे ठंडा पानी पीना नहीं है। और जब भी पानी पिए तो आप कोशिश करें कि आप लोटे का पानी पिए, किसी गोल चीज़ के आकार के बर्तन में पानी, क्योंकि उसका गोल आकार के कारण सरफेस टेंशन कम होती है और सरफेस एरिया जो होता है वो कम होने के कारण उसमें रखा हुआ पानी का सरफेस टेंशन भी कम हो जाता है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि पुराने ज़माने में खाने के जो बर्तन होते थे वह भी गोल शेप के होते थे और मिट्टी के होते थे, और पुराने लोग भी लोटे से ही पानी पीते थे। और आज के टाइम में भी अगर आप देखेंगे तो ऋषि मुनि जो लोग होते हैं वो पानी पीते हैं, उसके पीछे लोटे से ही पानी पीते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक साइंस है। गोलाकार बर्तनों का सरफेस एरिया जो होता है वो कम होने के कारण सरफेस टेंशन भी कम हो जाती है, जो कि खाने पीने की चीज़ों को बनाने और खाने के लिए अच्छा रहता है। नेक्स्ट सूत्र की बात करेंगे, वीक में कम से कम एक बार ऑयल मसाज अपने शरीर के लिए ज़रूर कराएं, जिसको हम अभ्यंग बोलते हैं, जिससे शरीर में तेल की मालिश की जाती है और पूरा शरीर उसी से स्ट्रेस फ्री हो जाता है। अगला सूत्र है कि अगर आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं तो एक सिंपल से रूल को फॉलो कर लीजिए कि टाइम पर सोइए और टाइम पर ही उठिए, क्योंकि आजकल लोग 12-12 1-1 बजे तक जागने के आदत के कारण सुबह टाइम पर उठ नहीं पाते, आधी रात तक फ़ोन पे स्क्रॉल करते रहते हैं और लेट सोने के कारण सुबह उठने में भी उतना ही देरी हो जाती है, जिससे नींद पूरी नहीं हो पाती। और नींद हमारे शरीर के लिए अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि यह हमारे शरीर में हीलिंग का काम करती है, हमारे एक्टिव रखने का काम करती है। और अगर हम सही ढंग से सो नहीं पा रहे, यानी कि गहरी नींद में नहीं सो पा रहे, तो हमारे शरीर की सर्कैडियन रिदम भी फॉलो नहीं हो पाती, जिससे ना सिर्फ नींद में ही गड़बड़ी होती है बल्कि पूरे शरीर में 50 तरह की गड़बड़ियाँ पैदा हो सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाला कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो कीजिए, जो कि वाग्भट जी संस्कृत में लिखकर देकर गए हैं हमारे लोगों के लिए, सबके लिए, पूरे विश्व के लिए। वाग्भट जी कहते हैं कि एज बढ़ने के साथ साथ हमारी इंद्रियों की शक्ति जो है वो भी कम होने लगती है, हमारे सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सभी तरीके की शक्तियाँ जो है वो कम होने लगती हैं। तो अपनी इंद्रियों के लिए योग करते रहें, लगातार योगाभ्यास करें और जितना हो सके उतनी कॉन्शियस अटेंशन पे करें इन इंद्रियों की तरफ। हमारे पांच इंद्रियां हैं, हमारी पांच इंद्रियां होती हैं आँख, नाक, कान, मुंह, जीवा और टच। कोशिश कीजिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस में रखकर यूज़ करें। कभी दिन में 5 मिनट निकालें, खाली बैठकर सिर्फ सुने कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, कोई चिड़िया बोल रही है, कोई कार उधर से गुजर रही है, सब तरह की आवाज़ों को ध्यान देना है, ध्यान से सुनना है, उनको सुनने की कोशिश करें। दिन में 5 मिनट निकालिए, कभी भी बैठकर आप सिर्फ देखने की कोशिश करिए, ऑब्जर्व करिए, कभी भी आप 5 मिनट निकालिए और फील करिए, टच करिए चीज़ों को, छू कर, पकड़ कर, ध्यान दीजिए, फील करिए चीज़ों को, कि खा रहे हैं तो उनको स्मेल करने की कोशिश करिए, उसमें आपकी जठर अग्नि भी प्रज्वलित होगी। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग खाने को आगे रखकर प्रार्थना करते थे, उस खाने को ब्लेसिंग्स देते थे कि जिससे कि वो खाना हमारे लिए वरदान जैसा हो जाता था और उसकी खुशबू आने के कारण हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी रेडी हो जाता था। तो अपनी पांचों इंद्रियों को दिन में कम से कम 2-5 मिनट का समय दीजिए, अटेंशन दीजिए, उससे आपकी इंद्रियों की शक्ति जो कम हो जाती है वह बढ़ेगी। और इस तरीके से आप जो है वो अवेयरनेस भाव में बैठना एक तरीके का मेडिटेशन प्रोसेस जैसा हो जाता है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे और कुछ अगले